नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार चोरी के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां बदमाशों ने दो घरों का अपना निशाना बनाकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फरियादियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां निहारिका सिंह ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि फरियादी के सोने घर में दिन में कोई अज्ञात बदमाश मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं दूसरा मामला पंकज चौरसिया, जो कि आकाश नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि घर का मेन गेट का ताला तोड़कर सोने की चेन और सोने का हार और हजारों पर नकदी लेकर कोई बदमाश फरार हो गया है। वहीं फरियादी की शिकायतों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, द्वारकापुरी में चोरों ने दो घरों पर वारदात की है, सर कौन व्यक्ति और कितना? कल द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में दो जगह आकाश नगर और VIP परस्पर नगर में चोरी हुई थी। एक मिस्टर चौरसिया हैं, उनके यहाँ चोरी हुई थी, जो वो चले गए थे बाणगंगा रिश्तेदारी में। एक निहालिका सिंह है, दोनों जगह, एक जगह कुछ सोने की चांदी के जेवर गए हैं और जो VIP परस्पर में वहाँ कुछ नकदी गया है पैसा। और हम लोग चोरों की तलाश कर रहे हैं, कुछ CCTV फुटेज मिले भी हैं दूर में, जिसमें हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसमें सफलता पाएंगे। हाँ, लोग मकान सुना था इसीलिए कहीं गए हुए थे और उसी सुने मकान को ही मौका देख कर चोरों ने धावा बोला, चोरी कर ली थी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट TV ऐप।